अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वक्त में फ्री का वाईफाई कौन यूज़ करना नहीं चाहता। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जो आपको फ्री वाईफाई देने में मदद फराहम करेगी। दोस्तों, इस एप्लीकेशन का नाम है इंस्टाब्रिज फ्री वाईफाई। इस एप्लीकेशन को 10 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड कर रखा है और 4.4 की रेटिंग है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। अगर इस एप्लीकेशन के कमेंट्स की बात की जाए तो दोस्तों, आपको इस एप्लीकेशन के जो कमेंट्स मिलते हैं, ओवरऑल काफ़ी अच्छे कमेंट्स रहे हैं इस एप्लीकेशन को लेकर। और कमेंट्स से तो यही लगता है कि ये एप्लीकेशन सच में काफ़ी अच्छे से काम करती होगी। लोग काफ़ी तारीफ कर रहे हैं इस एप्लीकेशन को लेकर। तो आइए हम इस एप्लीकेशन को ओपन करके देखते हैं कि ये एप्लीकेशन हमारे किस काम की है और इसका इस्तेमाल हम किस तरह से कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ, अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं या फिर आप किसी ऐसे रास्ते से गुजर रहे हैं जहाँ पर फ्री वाईफाई कनेक्शन मौजूद है, तो ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिक उस वाईफाई कनेक्शन को कनेक्ट कर लेगी और आपको फ्री में वाईफाई फराहम करेगी। तो दोस्तों, अगर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन में लॉगिन होने के बाद हमें ये एप्लीकेशन कुछ इस तरह से देखने में मिलेगी। सबसे पहले तो इस एप्लीकेशन में हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलती है रन अ स्पीड टेस्ट। अगर आप किसी वाईफाई कनेक्शन के साथ कनेक्ट हैं तो आप सबसे पहले यहाँ पर स्पीड टेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास डाउनलोडिंग स्पीड 5 MB से ज़्यादा आ रही है और अपलोडिंग स्पीड भी। यहाँ पर नीचे दोस्तों हमारे पास वो तमाम वाईफाई कनेक्शन शो होंगे जो इस वक्त हमारे आसपास हैं और जिनके इजीली सिग्नल हमारे मोबाइल तक पहुँच रहे हैं। उसके अलावा हमें नीचे मज़ीद ऐसे वाईफाई कनेक्शन भी मिलेंगे जो यहाँ हमारे पास तो नहीं है और ना ही इस वक्त हमारे मोबाइल पर उनके सिग्नल आ रहे हैं। ये एप्लीकेशन आपको ये भी बताएगी कि ये वाईफाई कनेक्शन आपके मोबाइल से कितना दूर है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं अगर इस ओनली शो वाईफाई इन रेंज बटन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इस वक्त बस वो ही वाईफाई सिग्नल शो होंगे जो इस वक्त मेरी रेंज में है। अगर मैं इस ऑप्शन को ऑफ करता हूँ तो यहाँ पर ऐसे वो भी वाईफाई सिग्नल शो होंगे जो इस वक्त मेरी रेंज से बाहर हैं। और ये मेरे मोबाइल से अगर मैं पैदल चलूँ तो 4 मिनट का तकरीबन फासला है। अगर आप ये नहीं जानते कि ये फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट किस जगह है तो आप इजीली इसकी डायरेक्शन भी मालूम कर सकते हैं इस पर क्लिक करने के बाद कि ये वाईफाई कनेक्शन आपके पास से या आपके मोबाइल से कितना दूर है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर ये पूरा मैप दिखाएगा कि ये फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट किस जगह पर मौजूद है और आप इजीली इस फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट का मज़ा उठा सकते हैं। अगर मैं यहाँ इन दिए गए फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर उस फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट के बारे में मज़ीद डिटेल जान पाएंगे। सबसे पहले आपको ऊपर वो प्रोफाइल मिलेगी जिसने इस फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट को क्रिएट किया है या फिर वाईफाई मैप पर शेयर किया है। तो जिस शख्स ने इस फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट को क्रिएट किया है, आप यहाँ पर उसका नाम देख पाएंगे, जैसा कि यहाँ पर मेरे पास शो हो रहा है बिलाल लवली। और पब्लिक पासवर्ड में हमें यहाँ इस वाईफाई का पासवर्ड दिखाया जाएगा जो इस वक्त फ्री है। इसके बाद हमें यहाँ नीचे कुछ ऑप्शन मिलेंगी स्पीड टेस्ट की, और अभी हम इसका स्पीड टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि अभी ये हमारे मोबाइल के साथ कनेक्ट नहीं है। और इसके बाद हमें यहाँ इस फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट की डायरेक्शन मिलेगी कि ये वाईफाई कहाँ और किस जगह मौजूद है। इसके बाद दोस्तों, अगर हम यहाँ नीचे मैप पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर हमारे शहर का पूरा मैप शो हो जाएगा कि इस वक्त फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट किस किस जगह मौजूद हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप यहाँ नीचे स्वाइप करते हैं तो आपको यहाँ पर ये बताएगा इन तमाम वाईफाई के नाम के बारे में। आप यहाँ ऊपर स्वाइप करते हैं तो आपको इस वाईफाई की मज़ीद इंफॉर्मेशन मिलेगी कि इस वाईफाई को जिसने क्रिएट किया है उसका यूज़र नेम, वाईफाई नेम और वाईफाई पासवर्ड वगैरह और मज़ीद ऑप्शन, जिनके बारे में अभी बता चुका हूँ। अगर दोस्तों आप भी अपने वाईफाई को इस मैप पर शेयर करना चाहते हैं तो ऊपर आप दाईं तरफ इस प्लस बटन पर क्लिक करने के बाद अपने उस वाईफाई को ऐड कर सकते हैं जिसको आप
इस वाईफाई मैप पर शेयर करना चाहते हैं या फिर एक फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट क्रिएट करना चाहते हैं, आपको यहाँ पर अपने नेटवर्क को ऐड करना होगा। यहाँ पर पासवर्ड देने के बाद आप इसको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लीजिए और आपका ये वाईफाई एक पब्लिक वाईफाई बन जाएगा और कोई भी शख्स इजीली इसको यूज़ कर पाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो के इस एप्लीकेशन इंस्टाब्रिज का इस्तेमाल हम किस तरह से कर सकते हैं या फिर इस एप्लीकेशन में हमें क्या कुछ देखने में मिलता है। अगर दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो पर लाइक करना मत भूलिए, जो बिल्कुल फ्री है, और नीचे कमेंट्स में अपनी राय देना भी मत भूलिए कि आज की ये एप्लीकेशन आपको कैसी लगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप प्ले स्टोर में मौजूद तमाम की तमाम वाईफाई से रिलेटेड मजीद एप्लीकेशंस के बारे में जानना चाहते हैं कि आज के इस वक्त में ऐसी कौन कौन सी एप्लीकेशन है जो हमारे काम आ सकती हैं, या फिर आप वाईफाई से रिलेटेड तमाम की तमाम एप्लीकेशंस के बारे में जानना चाहते हैं या कुछ खास सीखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना मत भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। इससे दोस्तों होगा ये कि मैं अपने चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर शो कर दिया जाएगा और आप यकीन कीजिए हमारी कोई भी नई वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।